ये जो हम सोचते हैं कि कोई हेल्प कर देगा, सबसे पहली गलती यहाँ से होती है। पिछले कुछ टाइम में ना मेरे इनबॉक्स में जितने भी मैसेज आए हैं जॉब के वाले से कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं या 4 महीने हो गए हैं, उनमें से 70-80% लोग लंदन में या इसके इर्द गिर्द थे। तो अपना वे ऑफ अप्रोच आप चेंज करें, आप उन जॉब्स पर अप्लाई करें जिनके बारे में अभी लोगों का नॉलेज कम है, कि यार कोई ना कोई साइड हसल स्टार्ट करो यूके आके। अब यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। यूके अब इतना खाली नहीं है कि हार्ड वर्क से काम चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आपका भाई आ चुका है वापस यूके, अभी कल आया हूँ मैं वापस, तो आज से हम लोग रेगुलर वापस आ गए हैं। तो एक बंदा था यार, वकास अकबर नाम का बंदा, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इसको बड़ी जल्दी थी मेरे आने की, वो तो जानता नहीं हूँ वापस, ऐसा कमेंट करता है ये। तो भाई आ गया मैं वापस, हूँ मेला की कहने ही कहला। सो आई एम बैक, एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट जॉब सिचुएशन इन यूके। कि आजकल बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही, हम इस एरिया में हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि जॉब जो है वो एक तो मिल क्यों नहीं रही, और मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है, और ऐसा भी होता है कि स्पेसिफ़िक एरियाज होते हैं जहाँ पे जॉब बिल्कुल नहीं है, और दूसरी उसके पर अक्सर स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब है। तो इस बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार अगर बात करें कि जॉब मिल क्यों नहीं रही, तो उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि ऑनेस्टली सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और सैचुरेशन होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा फैक्टर पता क्या है, क्रिसमस के बाद जो महीने होते हैं ना, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा क्वाइट होते हैं। मार्च के एंड में या मिड के बाद जाके जो है ना काम प्रॉपर स्टार्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि आगे अप्रैल से समर ऑलमोस्ट आगे स्प्रिंग आ जाता है, तो काम खुल जाते हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज भी निकलती हैं, आगे इवेंट्स आ जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोग को जॉब मिलती हैं, यूनिवर्सिटियाँ ओपन हो जाती हैं, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं जिससे ना जॉब वैकेंसीज ज़्यादा निकलती हैं और लोगों को जॉब मिलने लग जाती है मार्च में आके, मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में। तो ये मामला है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को तो उस टाइम भी जॉब नहीं मिलती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूके में आने के बाद दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते दो हफ्ते में जॉब मिल जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दो दो तीन तीन महीने जॉब नहीं मिलती। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन लोग हैं कि जिनको जॉब नहीं मिलती। यूजली हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोच के आ जाते हैं कि हम उस एरिया में जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडी होगा, बहुत ज़्यादा फेमस एरिया होगा, ताकि वहाँ पे हमारे जॉब के चांसेस मैक्सिमम रहें, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ कारोबार ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग जितने ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जॉब वैकेंसीज उतनी ही कम हो जाती हैं, क्योंकि जॉब अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा बंदे हो जाते हैं। पिछले कुछ टाइम में ना मेरे इनबॉक्स में जितने भी मैसेज आए हैं जॉब के वाले से कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं या 4 महीने हो गए हैं, उनमें से 70-80% लोग लंदन में या इसके इर्द गिर्द थे। क्योंकि लंदन मेरे ख्याल में अब जॉब के हवाले से एक बहुत ही नाकस जगह है, और जॉब की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है। लाइक जो लेमैन जॉब होती है ना, और जॉब जो कि कोई भी कर सकता है, ऐसी जॉब्स तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं और जिसकी वजह से वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। तो ऐसे में जब आप वहाँ चाहते हो ऑलरेडी क्राउडेड प्लेस में, जहाँ पे महंगाई भी इतनी है और रेंट भी इतने हैं, ऊपर से जॉब की कमी, तो फिर लोग वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं जॉब ढूंढने में। लंदन और उसके इर्द गिर्द के ऑलमोस्ट सारे एरिया, जैसे कि जहाँ पे देसी लोग ज़्यादा हैं, वो ख़ास तौर पे वो एरियाज। अब इसका लॉजिक ये है कि जब आप देसियों में जाते हो, आप ये सोच के जाते हो कि अपने लोग हैं, अपना अपना फील होगा, और दूसरे नंबर पर हेल्प चाहिए होगी तो कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, हेल्प आपकी यहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके किसी ने भी नहीं करनी। ये जो हम सोचते हैं कि कोई हेल्प कर देगा, सबसे पहली गलती यहाँ से होती है। अब ये तो यहाँ पे आके सोचो ही ना कि कोई हेल्प कर देगा, आप खुद से खुद में वो पोटेंशियल लाओ कि मैंने स्ट्रगल करके जॉब ढूंढनी है, और जब आप ये सोच लेते हो ना कि मैंने ढूंढनी है, आपको जॉब मिल जाती है। अब एरिया को अगर सिलेक्ट करने के टाइम आप लंदन तो बिल्कुल सिलेक्ट ना करो फिलहाल जो दिन चल रहे हैं या जो सिचुएशन है। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत ही हाई लेवल स्किल है फिर आप लंदन आ जाओ। तो यार आप एरिया चूज़ करते वक्त ये चीज़ माइंड में रखो कि एरिया बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है, जहाँ पे हर बंदा भाग रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे हर बंदा ही भाग रहा है वहाँ पे हर बंदे को जॉब नहीं मिलेगी, बहुत ही कम लोगों को मिलेगी। आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप एरिया एटलीस्ट वो लो जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पेंडू भी नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल ही जॉब वैकेंसी भी नहीं है। तो एरिया सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जॉब फाइंड करने के लिए आपकी। अब दूसरा फैक्टर जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि आप जॉब अप्लाई कौन सी कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप वो जॉब अप्लाई करते हो जो हर बंदा अप्लाई कर रहा है, तो उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं आपके जॉब मिलने के।
क्योंकि जाहिर है अब टेकवे की जॉब है या वेयर हाउस की जॉब है, हर बंदा ही सबसे पहले आके वो अप्लाई करता है। ठीक है, आप एटलीस्ट कोई ऐसी जॉब अप्लाई करो जिसमें कम लोगों ने अप्लाई किया हो या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स उतने ज़्यादा ना हो जितने के रेस्टोरेंट या किसी टेकवे वगैरह पे होते हैं, क्योंकि हर बंदा ही आते हैं लोगों के पास जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली हर रेस्टोरेंट टेकवे एक दो तीन लोगों को ही अकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि बाकी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जॉब हैं, लेकिन आपका वे ऑफ सर्च थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। हाँ, आज से दो साल पहले वो चीज़ थी कि जो आता था वो टेकअवे रेस्टोरेंट पे या वेयर हाउस में लग के अच्छे पैसे कमा लेता था और उसकी फीसें मैनेज हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे इतनी इन्फ्लेशन होने के बाद, इतनी सैचुरेशन होने के बाद हालात थोड़े से बदल चुके हैं। तो हालात के साथ साथ ना इंसान को भी बदलना पड़ता है। तो अपना वे ऑफ अप्रोच आप चेंज करें, आप उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनके बारे में लोगों का नॉलेज कम है। और दूसरी चीज़ यह है कि जॉब तो यार आप फाइंड करते ही रहोगे जब तक आपको मिलेगी नहीं, और आखिर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अपने थोड़े से रिसोर्सेज बना के आओ, जॉब इंशाल्लाह मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि यार कोई ना कोई साइड हसल स्टार्ट करो यूके आके, चाहे वो ऑनलाइन वर्क है, चाहे आपको फ्रीलांसिंग आती है या अमेज़ॉन का कोई काम आता है, क्योंकि यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। आप हर वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं जो आप पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकते, जैसे कि फेसबुक मोनेटाइजेशन वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। अमेज़ॉन के अकाउंट पाकिस्तान में नहीं मिलते, यहाँ पे मिलते हैं। और उसके अलावा टिकटॉक मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे है। तो और टिकटॉक पे इतने व्यूज़ आते हैं ना लोगों को, और इतने आसान है टिकटॉक पे व्यूज़ लेना, और टिकटॉक मोनेटाइजेशन से आप एक नहीं छः सात तरीके से पैसे कमा सकते हो। जो लोग टिकटॉक का काम करते हैं उनको पता होगा। इस तरह की किसी साइड हसल में पड़ जाओ जो कि आपका थोड़ा सा टाइम ले, दिन के आधा घंटा या एक घंटा आपका एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन यह है कि जब वो आपको पे आउट करने लगे तो आप खुश हो जाओ। अगर आप कर सकते हो तो चाहे एक यूट्यूब चैनल भी बना लो, वो भी आपको जो है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, अगर आप उस पर अपनी ऑडियंस डेवलप करने में कामयाब हो जाते हो और आप इतने इनफ व्यूज़ ले रहे हो कि आपको उससे कुछ अर्निंग आने लग जाए, तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो। तो इस तरह की कोई ना कोई साइड हसल ज़रूर करो जो कि आपका बाद में जाके, जिसको कह सकते हैं एक बिज़नेस बन जाए। और क्योंकि बिज़नेस जो होते हैं ना वो हमेशा जॉब से ऊपर ही रहते हैं, तो अगर आप बिज़नेस माइंडसेट लेके आओगे, अब यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। यूके अब इतना खाली नहीं है कि हार्ड वर्क से काम चल जाएगा, अब साथ साथ ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, फिर आपका यूके में आके गुजारा होगा, अदरवाइज़ आप यूके में इवेंचुअली फ़ेल हो जाओगे। और बाकी जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे बार बार फॉलो अप लो, चाहे ऑनलाइन अप्लाई किया तो ईमेल्स के थ्रू फॉलो अप लो, और अगर डोर टू डोर जाके खुद फिज़िकली अप्लाई किया तो उन लोगों को जाके बार बार मिलो, उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाता है कि जिसके दिल में रहम आ जाता है, अगर उसके पास जॉब नहीं भी है वो आपको कहीं ना कहीं रेफ़र कर देता है। और दूसरे नंबर पे बात है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, फुल टाइमर बंदों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, इमीडिएट जॉब्स हो जाती हैं लोगों की। रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ रबते में रहो, उनके साथ रबता, उनको भी फॉलो अप बार बार कॉल्स करो, डेली कॉल्स करो। आप अपने मोबाइल पर बैठ जाओ, गूगल मैप्स पे ना सारी लोकेशन और नंबर्स होते हैं, अगर आप जा नहीं सकते तो वहाँ से क्या है नंबर निकाल निकाल के जॉब्स वालों को कॉल करते जाओ, चाहे टेकवे है, चाहे ग्रोसरी स्टोर है, चाहे रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे किसी वेयर हाउस के आपको पता है जो कि हायरिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी अप्लाई करते रहो, कॉल्स करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश ना छोड़ो। हमारा क्या है कि हम लोग जो है ना 10 20 30 50 अप्लाइयां करके ना हार मान लेते हैं कि यार यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, महीना हो गया मिलनी नहीं है। तो यार ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ठीक है, जब तक ट्राई करते रहोगे तब तक ही उम्मीद लगी रहेगी जॉब की। कोई ना कोई आपको इंटरव्यू आ जाएगा, कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ जाएगी कि यार आप आओ इंटरव्यू दो, और वहाँ से आपकी जॉब हो जाएगी। अभी एक लड़की मुझे कुछ दिनों पहले, उससे मेरी बात हुई थी, वो यहाँ पे आई और उसने विद इन 1 month जॉब टारगेट की है, का अगर पॉसिबिलिटी बनी तो मैं उसका इंटरव्यू करूँगा और मैं उसमें आपको उसकी सारी जर्नी उसके मुँह से बतलवाऊँगा कि उसने जो जो मुझे बताया कि उसने कैसे जॉब टारगेट किया और उसने कैसे कैसे अप्लाई किया। तो ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा होगा, तो आई विल ट्राई कि मैं उसका इंटरव्यू करूं और आपको वो चीज़ बता सकूं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइड हसल में घुसो, ऑनलाइन फील्ड में घुसो, इसमें एक टाइम आएगा कि आपके मेजर जॉब से बड़ी आपकी साइड हसल हो जाती है और पता भी नहीं चलता। एंड आई एम बैक टू यूके, और अब वीडियोस का सिलसिला जारी और शारी रहेगा, और वीडियोस अब नहीं रुकेंगी, इंशाल्लाह आती रहेंगी। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो में कोई काम की बात लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।